जयपुर राजस्थान का मेन और बहुत बड़ा सिटी है। ये इंडिया का 10th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है और इसे द पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसे द पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1876 में इस सिटी को पूरे पिंक कलर में पेंट करवाया गया था एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स की स्वागत के लिए। तभी से ये सिटी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वेलकम टू ट्रैवल बजट, मैं हूं नितेश, योर ट्रैवल बड़ी, योर ट्रैवल गाइड। और आज हम बात करेंगे बजट ट्रिप टू जयपुर पूरी डिटेल में, जैसे कि कैसे पहुंचे, कौन सी जगह रुकना है, कौन से घूमने की जगह हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जयपुर। अगर आपने अभी तक ट्रैवल बजट को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाने वाले हैं ऐसे ही ट्रैवलिंग बजट वीडियोस आपके लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि जयपुर कैसे पहुंचा जाए, हाउ टू रीच जयपुर। जयपुर के लिए आपको इंडिया के कोई भी सिटी से आराम से ट्रेन या फ्लाइट मिल जाएगी। अगर आप कार से आना चाहते हैं और आपकी खुद की कार है तो सुभान अल्लाह। ट्रेन और फ्लाइट की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। जयपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है संगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जयपुर के सिटी से 13 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन के थ्रू जाना पसंद करेंगे तो आपको जयपुर जंक्शन उतरना पड़ेगा। जयपुर पहुंचने के बाद आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम होटल कौन सी जगह बुक करें या फिर हम कौन सा होटल बुक करें। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे होटल की कमी नहीं है, चाहे 7 स्टार हो, 5 स्टार हो, 3 स्टार हो या 2 स्टार, हर कैटेगरी का होटल आपको मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 5 चीपेस्ट विद बेस्ट रिव्यू होटल टू स्टे इन जयपुर। अब होटल के बाद अब हम बात कर लेते हैं थिंग्स टू डू इन जयपुर। नंबर 1, हवा महल। हवा महल पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर टोटल 953 छोटे छोटे विंडोज हैं और इन्हें बनाया गया था ताकि रॉयल फैमिली के लेडीज बाहर की दुनिया ऑब्जर्व कर सके बिना किसी को दिखाई दिए। हवा महल का कोई फ्रंट एंट्रेंस नहीं है, यहाँ पर आपको साइड से ही घुसना पड़ेगा। ये रोज़ खुला रहता है और इसका टाइमिंग है 9 AM to 5 PM और इसका एंट्री फी है ₹50 फॉर इंडियन एंड ₹200 फॉर फॉरेनर। जंतर मंतर, जयपुर में भी एक जंतर मंतर है जो यहाँ का बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये हवा महल और सिटी पैलेस के पास लोकेटेड है। ये 1735 में बनाया गया था और इसका पर्पस था स्पेस और टाइम को समझने का। ये रोज़ खुला रहता है और इसका टाइमिंग है 9 AM to 5 PM और इसका एंट्री फी है ₹50 फॉर इंडियन एंड ₹200 फॉर फॉरेनर्स। नहरगढ़ फोर्ट, ये इंडिया का बहुत फेमस और वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट है। ये अरावली माउंटेन रेंज में लोकेटेड है जिसे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कहा जाता है। ये फोर्ट जयपुर के पूरे मेन सिटी को फेस करता है और इसे बनाया गया था डिफेंस पर्पस के लिए और ये रोज़ खुला रहता है और इसका टाइमिंग है 9 AM to 5 PM और इसका एंट्री फी है ₹50 फॉर इंडियन और ₹200 फॉर फॉरेनर्स। सिटी पैलेस, ये जयपुर का टॉप 3 टूरिस्ट अट्रैक्शन में आता है। ये बनाया गया था 1723 में। सिटी पैलेस का एक पार्ट म्यूज़ियम है और दूसरा पार्ट में अभी भी रॉयल फैमिली रहते हैं। यहाँ पर बहुत फेमस और वैल्यूबल आर्टिफैक्ट्स प्रेजेंट हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी रोज़ खुला रहता है और इसका टाइमिंग है 9 AM to 5 PM और इसका एंट्री फी है ₹190 फॉर इंडियन एंड ₹500 फॉर फॉरेनर्स। जैगर फोर्ट, ये फोर्ट अम्बेर टाउन पे लोकेटेड है जो जयपुर के मेन सिटी से 12 किलोमीटर दूर है। ये ईगल हिल में लोकेटेड है जिसे चील का तिला भी कहा जाता है। ये अफवाह भी है कि इस फोर्ट में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा वॉर कैनन प्रेजेंट है। ये भी रोज़ खुला रहता है और इसका टाइमिंग है 9 AM to 5 PM और इसका एंट्री फी है ₹70 फॉर इंडियन एंड ₹150 फॉर फॉरेनर्स। जल महल, ये महल मानसागर के एकदम बीच में लोकेटेड है। इसे पूरा रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। ये एक 5 स्टोरेड बिल्डिंग है और इसका सिर्फ टॉप फ्लोर विजिबल होता है।
ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और कल्चरल प्लेस है। इसका एंट्री फी फ्री है और इसका टाइमिंग है 6 AM to 6 PM। अमेर फोर्ट, ये एक बहुत ही फेमस और एशियन पैलेस है जो अमेर टाउन में लोकेटेड है। ये जयपुर के मेन सिटी से 11 किलोमीटर दूर है। इस पैलेस के अंदर एक शीश महल है जो अपने ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है और यहाँ बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है। अमेर पैलेस के नीचे एक 2 किलोमीटर लंबा सुरंग है जो अरावली रेंज में जाकर खुलता है। ये रोज़ खुला रहता है और इसका टाइमिंग है 9 AM to 5 PM और इसका एंट्री फी है 100 फॉर इंडियन एंड 500 रुपीस फॉर फॉरेनर्स। तो ये थे कुछ टॉप 8 प्लेसेस जयपुर के। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं टोटल बजट क्या आ सकता है जयपुर ट्रिप का।